ये होममेड प्लांटर है जो मैंने बनाए हैं घर पे ही, और वो भी बिना किसी खर्च के, यानी एक भी पैसा इन पे खर्च नहीं किया। तो आप भी अपने घर में खाली बोतलों से बनाइए इस तरह के प्लांटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये जो मेरे पास खाली बोतल पड़ी है कोल्ड ड्रिंक्स की काफ़ी सारी, इनसे हैंगिंग जो प्लांटर होते हैं वो, और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाऊंगी। वैसे एक मैंने एक दिन बना के ट्राई भी किया था, ये देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा, इसको कलर वगैरह अभी तक मैंने नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेरे पास जो कलर मैं करूँगी, अच्छा कबीर बोल रहा है मैं भी कलर करूंगा तो ये मेरे पास 2-2 लीटर की बोतल है और इनसे मैं बनाऊंगी ये। तो ये एक दिन तो ये मेरे पास एक बोतल है ऐसी मैं लेके बैठी थी, तो मैंने सोचा इसको काट के और इसके अंदर जो 9 o'clock या फॉर्चून का या बोलते हैं जिसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं वो इस टाइम बड़े सुंदर फूल देती है, तो वो मैं लगाने की इसमें सोच रही थी। फिर बैठे बैठे मैंने ये डिजाइन बना दिया, तो मेरे को आइडिया आया क्यों ना इसके कुछ डिजाइन बनाई जाए। तो ये पहले सबसे पहले हम इसका जो है कागज काट लेंगे, ऊपर से रैपर है वो हटा देंगे। सबसे पहले इनके ऊपर जो ये रैपर लगा हुआ है इसको काट के निकाल लेंगे। और ये मैंने इस तरह से सारी बोतल का जो रैपर था सभी का वो निकाल लिया। हालांकि मैंने एक 2 बोतल रख दी थी, 2 बोतल का नहीं बनाया था। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी इस ग्रीन वाली बोतल से, क्योंकि एक मैंने ग्रीन पहले बना रखा है। तो इसको यहाँ से बोतल को कट कर लेंगे ऊपर के हिस्से से, और एक पहले इससे कटर से कट लगा लेंगे, उसके बाद कैंची से ही आसानी से कट जाता है। तो इसको मैं कैंची से यहाँ से काट लूँगी राउंड, और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कटता है तो उसको बाद में हम सही कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कटर होता है वो थोड़ा तेज़ भी होता है, इसलिए मेरे को थोड़ा डर भी लगता है कि हाथ वगैरह ना कट जाए। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ऊपर का हिस्सा निकाल दिया और एक नीचे का जो हिस्सा है उसको रख लिया। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर से अच्छे से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया स्केल लेके, ताकि ये जो ऊपर से जब हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो एकदम बराबर बराबर बने। तो ऊपर से मैंने 3-4 इंच लंबा लेके और यहाँ पे निशान लगा के फिर एक पूरे में गोल लाइन में इनको मिला दिया था, ताकि ध्यान रहे कि यहाँ तक इसको काटना है। फिर दोबारा से जब हम इसके ऊपर जो पत्ते का डिज़ाइन है वो बनाएंगे तब, तो ये मैं यहाँ पे इनको सबको गोल राउंड में मिला के और उसके बाद में फिर से थोड़ा निशान और लगाएंगे इस तरह से, ताकि इक्वल इक्वल हमारी जो भी है हम काट ले, नहीं तो निशान लगाए बिना फिर इक्वल नहीं कटते हैं। और फिर इनको इस तरह से कैंची की हेल्प से हम ऐसे काट लेंगे, ऊपर से इनको गोल कर लेंगे और दोनों साइडों से काट के ऊपर से गोल करते जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने काट लिया है और इस तरह से ये गोल ऊपर से पत्ते की तरह हो गया। फिर इनको बाहर की साइड ऐसे मोड़ देंगे सब पत्तों को, और बीच में से सेंटर में 2 जो आएंगे दोनों साइड सेंटर में, उनको 2 जो है पत्तों को रख लेंगे, ताकि उनके साथ हम उसको जो इसका हैंगर है उसको स्टेपल कर सके, तो हैंग करने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी बाहर की तरफ मैं मोड़ूंगी, और ये जो बीच में 2 है इनको छोड़ के बाकी सब ऐसे बाहर की तरफ मोड़ देंगे, तो वो सीधे रहेंगे। और ये मैंने इस तरह 2 ये छोड़ दिए, इनके साथ में इसको स्टेपल करूँगी मैं, ताकि हम इसको हैंग कर सकें। और अगर आपको हैंग नहीं करना तो आप इसी तरह से सीधा भी किसी दीवार वगैरह पे रख सकते हैं। फिर जो बोतल का बचा हुआ पार्ट था उसको मैंने एक जो है पत्ती इसमें से काट ली है 1/2 इंच की चौड़ी, और इस तरह से ये एक लंबी कट जाएगी जो पत्ती है वो, और इसको थोड़ा सा ठीक करके, क्योंकि एक तरफ जिस साइड से नीचे की साइड से थोड़ा सा ये मोटी ज़्यादा है, क्योंकि उधर से जो चौड़ी ज़्यादा थी, इसलिए तो इसको मैं इक्वल कर लूँगी। और इक्वल करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रिप हमारे पास होगी, और फिर हम इसको कर देंगे स्टेपल यहाँ पर स्टेपलर की सहायता से। अगर आप स्टेपलर से नहीं करना चाहते तो आप ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका सकते हैं, और बाकी मैंने देखा नहीं फेविक्विक से ये चिपकता या नहीं वो मैंने नहीं देखा, पर मेरे को सबसे आसान ये लगा कि आप इसको स्टेपल कर दें, 3-4 पिन एक साइड में लगा दें, ताकि फिर ये
तीन चार पिन लगाने के बाद में ये निकलेगा नहीं और अच्छे से ये मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड तीन तीन चार चार जो पिन है वो स्टेपल कर दी है, और स्टेपल करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और देखिए इस तरह से दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप कलर ना करें तो भी ये, क्योंकि बोतल ग्रीन कलर की है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये एक मैंने पहले बनाया हुआ था, वो थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है। तो अब हम एक और तरह का प्लांटर बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बोतल को पूरा अलग नहीं करेंगे दोनों साइडों से, बीच में हम थोड़ा सा एक दो इंच जितना हम रख लेंगे। अगर आपकी ग्रिल ज़्यादा चौड़ी है तो आप थोड़ा ज़्यादा लंबा रख सकते हैं, और पतली है तो ये ग्रिल पे टांगने के लिए मेनली हम बना रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको कम रख सकते हैं। तो इस तरह से एक कट बीच में से लगा के और लगभग दो इंच लंबा और एक डेढ़ इंच चौड़ा आप इसको बोतल को यहाँ से छोड़ दीजिए, और बाकी सारा बीच में से जो है निकाल दीजिए। तो इस तरह से कुछ ये हो जाएगी कटने के बाद, ये देखिए कुछ इस तरह से। और हम इसको किसी भी ग्रिल वगैरह पे ऐसे लटका सकते हैं। तो हमारी ये एक ही बोतल से दो प्लांटर बन जाएंगे। फिर मैंने इनको कर लिया कलर। अगर कलर आप ना करना चाहें तो भी ग्रीन वाली तो वैसे ही अच्छी लगेगी, पर मेरे को अच्छा लग रहा था कि इनको कलर करूं, तो मैंने इनके ऊपर येलो कलर जो है एक्रेलिक कलर वो कर दिया। और ये पहले एक कोट किया, फिर उसके बाद दूसरा कोट भी करना है। तो ये एक बोतल मैंने करके रख दिया, और इधर कबीर भी अपना लगा हुआ है मस्ती से, और मैंने पेपर वगैरह नीचे बिछा लिए ताकि जो है फर्श गंदा ना हो और कपड़े भी गंदे ना हो। और दूसरी बोतल पे कबीर लगा हुआ है। तो ये एक कोट हो चुका है, और अभी मैं इसको दूसरा कोट करके मैंने रख दिया है। फिर थोड़ी सी डिजाइनिंग भी इन पे मैं करके देखूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं ऐसे डॉट डॉट मैंने यहाँ पे बना दिया है इसके नीचे जो कोने निकले हुए हैं उनके ऊपर, और वो बनने के बाद काफ़ी अच्छी लगती है। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बड़ा ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और ये मैंने ब्लू कलर से इस तरह से ये इसके ऊपर डॉट बना दी, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। उसके बाद ऊपर मैंने ऊपर जो पत्तियाँ और बनाई थी उसके ऊपर कलर नहीं किया, तो कबीर ने ये वाला कलर किया इस बोतल के ऊपर। इस पर भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ दोनों साइड में, ताकि देखने में थोड़ी और ज़्यादा सुंदर लगे। बीच में आपको कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में तो मिट्टी भरनी है, तो इसलिए ये देखिए मैंने इस तरह से इस पर भी डिज़ाइन बना दिया। और ये दोनों मेरे प्लांटर कितने सुंदर लग रहे हैं, और कोई भी पैसा खर्च किए बिना, क्योंकि कलर वगैरह अक्सर घर पे मिल जाते हैं, बच्चों के पास होते हैं, और अगर नहीं है कलर तो भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए खाली पड़ी जो बोतल थी उनका रीयूज भी होगा, और इस तरह से ये जो है बिना पैसों का हमारा हैंगिंग जो प्लांट है वो भी होगा, और हम इसमें प्लांट लगा देंगे इस तरह से। तो अब इसके बाद मैंने इसमें नीचे थोड़ा छेद कर दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं जो मैंने प्लांटर बनाए, और यहाँ पे ये मैंने इस पर लटका दिया यहाँ पे, ये जो राउटर था और कोई काम नहीं आ रहा था तो ये भी मेरा यूज हो गया। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ दोनों कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं पीले पीले से। और ये इनमें मैंने पोर्चूल का लगा दिया, अभी पानी नहीं डाला, पानी डालूँगी। और इसको मैंने यहाँ ग्रिल पे टांग दिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय।